हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनीज रूटीन व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। अभी बजे हैं शाम के 5:15 के करीब और मैं आज आप सबके साथ हमारा इवनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप सबको पता है मैं ससुराल में हूँ तो यहाँ का इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी हमारा। तो जैसा भी लगे आपको मुझे ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आई होप कि आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। तो बस यहाँ पे चाय बनी थी, चाय हमने पी ली थी शाम को और यहाँ पे थोड़े से जो चाय नाश्ते के बर्तन होते हैं वो मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ कर दे तो अच्छा होता है, आप सबको पता ही है, ज़्यादा फिर हो जाते हैं। और ये जो पतीली है इसी में दूध फिर लेना होता है, तो यही बड़ी पतीली धुल के रखनी भी होती है शाम के टाइम। तो बहुत सारे छोटे छोटे कई काम होते हैं, हमें रूटीन फिक्स होता है इसी वजह से पता नहीं चलता, पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। तो बस यहाँ पे वॉश करूँगी बर्तन और आज रात को बनेगी भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी भी काट के रखी हुई है तो उसको भी तड़का लगाना है, तो वो भी आप सबके साथ जरूर शेयर करने वाली हूँ। तो बताना मुझे कैसा लगा है कैसा नहीं, और मैं ट्राई करती हूँ कि आपके साथ रेगुलर व्लॉग शेयर करूँ, पर नहीं हो पा रहा है इसी वजह से, मतलब जब भी होता है मैं कर देती हूँ। तो धीरे धीरे व्लॉग्स आते रहेंगे, आप लोग ज़रूर बताना कैसे लग रहे हैं। और जो भी नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग्स में डालती रहूँगी, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला है गर्वित का बर्थडे और उसके बाद भी सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे, तो सारे व्लॉग्स में धीरे धीरे करके आप सबके साथ डालती रहूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं भिंडी कट कर रही हूँ और मेरे मदर इन लॉ थोड़े से जो कपड़े सूख गए थे वो सारे ला के वो तय करेंगे, भाभी भी अपना काम शुरू करेंगे। मतलब मैं इवनिंग में यही होता है, जब जिसको पता चले वो काम दिख जाए वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो बस देखिए यहाँ पे शुरू हो भी गया है काम अच्छे से, तो चलिए आप आगे कंटिन्यू कीजिए।
हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम का सारा काम हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। भिंडी भी बन के रेडी हो गई है, बस इसमें से बच्चों की निकाल के फिर मिर्च डालनी है। वैसे हरी मिर्च तो डाली हुई है, थोड़ी तो तीखी बच्चे खा लेते हैं, पर हमारे मतलब का तीखा करना है। और आज व्लॉग मैंने इवनिंग से ही स्टार्ट किया है, बड़े दिनों बाद कर रही हूँ क्योंकि यहाँ नहीं टाइम सेट हो पा रहा था मुझसे। और कल ही एक व्लॉग गया है जो बर्थडे सेलिब्रेशन का था, तो वो कल गया है। और अभी शाम के बजे हैं 7, फोकस नहीं कर रहा तो बस। और ऑलमोस्ट काम सारा हो गया है, बस जब आएंगे खाने तब रोटी बनाएंगे। आटा भी भाभी ने गूंद दिया है। तो आज मैं इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ आपको, यहाँ का जो होता है। तो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना। तो बस ऑलमोस्ट काम सारा हो गया है, और अभी मैं भी जाऊंगी छत पे क्योंकि सारे पहुंच गए हैं छत पे। अभी शाम के टाइम छत पे थोड़ी देर बैठना अच्छा लगता है क्योंकि हवा भी चल रही होती है। गर्मी बहुत है आजकल, तो सबके वहाँ गर्मी हो ही रही होगी और बारिश आने का नाम नहीं ले रही है। तो वही शाम के टाइम पे हम ऊपर चले जाते हैं 1-2 घंटे के लिए। अभी इसीलिए जल्दी सब्जी बना लेते हैं क्योंकि फिर आके जब भूख लगती है तो सिर्फ रोटी बनानी रहती है और वो तो जल्दी जल्दी फटाफट हो जाती है। तो भाभी गए हैं गर्वित को ट्यूशन से लेने, और खुशो उसके पापा और मेरे मदर इन लॉ ऊपर हैं छत पे। तो मैं भी बस ये काम जो भी थोड़ा बहुत रह गया वो निपटा के मैं भी ऊपर चलती हूँ और वहीं बैठ के फिर आगे का वीडियो कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए आपको भी ऊपर ले चलती हूँ।
तो आज का मैंने मेरा पूरा इवनिंग का रूटीन आप सबके साथ शेयर किया है। आई होप कि आप सबको पसंद आए हमारा इवनिंग रूटीन। तो बस ऊपर अभी डिनर करने गए थे क्योंकि ऊपर अच्छी सी हवा चल रही थी और नीचे बहुत ही मतलब आज रात की फॉरकास्ट है रेन के लिए, बारिश के लिए, तो रात तक आ जाए ऐसा लग रहा है क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो अभी तो सब ऊपर ही बैठे हैं, मैं नीचे आई थी और मम्मी नीचे आए थे, मम्मी फिर वापस ऊपर गए हैं तो मैं भी जा ही रही थी। और बहुत ही अच्छा लगा था ऊपर आज डिनर करके क्योंकि हवा चल रही थी और मज़े भी आए, गरम गरम ऊपर लेके और खा गए। नीचे ही करते हैं वैसे तो डिनर, पर आज इच्छा करके, वैसे एक दिन बीच में भी ऊपर किया था डिनर, मज़ा आया था, तब चावल बनाए थे। और बस आजकल तो कोरोना चल रहा है तो उसी की डर थोड़ा सा लगा रहता है। यहाँ पे भी कई केस निकलते हैं पर रिकवरी रेट अच्छा है तो क्योर भी अच्छे से हो रहे हैं। अब तो बहुत जल्द उम्मीद है कि कोरोना की वैक्सीन आ जाए, पर तब तक संभाल के तो सबको रहना है। आप सब भी अपने अपने घर में अच्छे से प्रिकॉशन लेके जब भी बाहर निकलो चलते रहना। और बच्चों के भी फिर से क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, वेकेशन जो था ऑनलाइन क्लासेस जब गैप थी वो ख़त्म हो गई, अब फर्स्ट से स्टार्ट हो गया है खुशहाल का भी। तो उसका भी मॉर्निंग में चलता रहता है, 2-2.5 घंटे होती है क्लासेस, मतलब होती 40-40 मिनट्स की है पर बीच में 10-10 मिनट्स का गैप होता है, पर वैसे लगातार ही रहती है 2.5 घंटे की। तो मॉर्निंग में तो वही होता है, मॉर्निंग का भी मैं रूटीन ज़रूर आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी और ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ के रोज़ वीडियो अपलोड करती रहूँ क्योंकि बच्चे साथ होते हैं, घर का थोड़ा बहुत काम होता ही है तो एडिटिंग करने में ना दिक्कत होती है क्योंकि बच्चों को भी फ़ोन देखना होता है, चाहिए होता है, कुछ गेम खेलनी होती है तो हमें हाथ में फ़ोन देखकर उनको खुद याद आ जाती है फ़ोन की, तो उसी चक्कर में नहीं हो पाता है। पर मैं ट्राई करूँगी जितना हो सके, और जो भी नए व्यूअर्स है अगर वीडियो बिल्कुल थोड़ा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करना। और बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, तो आई होप कि आप सब समझ रहे हो। और जो भी नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए ये मेरा वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी और कल मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।